जय हिंद दोस्तों, मैं हूं समीर यदुवंशी और एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। लेकिन ये वीडियो है भाई जो इस टाइम देश में चल रही है कॉन्स्पिरेसी ऑफ सीमा हैदर को लेके। लेकिन इस बार भाई मैं किसी पाकिस्तानी चैनल्स पे रिएक्शन नहीं देने वाला हूं। इस बार मैं मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूं। इनका चैनल का नाम है द चाणक्य डायलॉग। आप जाके भी सब्सक्राइब जरूर करें, इनके वीडियोज को जरूर देखा करें, आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी इनके चैनल्स पे। भाई टॉपिक जो है, टॉपिक आपको पता है सीमा हैदर है, उसको यूपीएटीएस ने अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट क्यों किया आप सबको पता है, अरेस्ट क्यों किया गया उसको सबको पता है। यूपीएटीएस ने इसलिए अरेस्ट करा है क्योंकि उसके ऊपर शक है कि वो पाकिस्तानी जासूस है। दूसरी बात, वो एक्शन में यूपीएटीएस कब आई, यूपीएटीएस एक्शन में जब आई जब कोंडा से एक बंदे को अरेस्ट किया गया जो आईएसआई का कुत्ता था, जिसने आईएसआई ने उसको पैसे देके पाला था। इसके बाद यूपीएटीएस हरकत में आई और इसको अरेस्ट कर लिया गया। उसी के ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी जो चल रही है गंदी वाली, वो आईएसआई के एजेंट है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। वर्ल्ड कप के नाम से, मतलब कि जो इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको यहाँ पे ना होने के देने के लिए कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है। क्योंकि एशियन कप जो पाकिस्तान में हो रहा था, एशिया कप, उसके ऊपर इंडिया ने मना कर दिया जाने के लिए बिकॉज सिक्योरिटी रीजंस। तो कहीं ना कहीं लेके, इस चीज़ को लेके इंडिया में कुछ ना कुछ बवाल होने वाला है। मैं इस चीज़ को बहुत पहले से बोल रहा हूँ और जो भी मैंने इस सीमा हैदर के ऊपर बोला था वो आज मेजर गौरव आर्य खुद उसी चीज़ को बोल रहे हैं जो मैं पहले उस वीडियो में बोल चुका हूँ। अपनी कई वीडियोज़ में ये चीज़ें बोल चुका हूँ मैं, उसी चीज़ को लेके मेजर गौरव आर्य सर उसी को बोल रहे हैं। और लेटेस्ट खबर ये भी है, तो भाई चलो इस पर बाकी बातें बाद में करते हैं। बाकी पहले मेजर सर की वीडियो देख लेते हैं, फिर करते हैं बाकी चीज़ों पे बात। हाँ, मैं पूरी वीडियो नहीं दिखाऊंगा, जो जो मेन पॉइंट है मैं उन्हीं पे बात करूंगा बस, और फिर उस न्यूज़ को भी दिखाऊंगा जिसमें यह यूपीएटीएस साउथ में जो पकड़े गए हैं वो भी दिखाऊंगा, और जो जम्मू एंड कश्मीर से कुछ पकड़े गए हैं वो भी दिखाऊंगा मैं आप सबको, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कब से हो रहा है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले लेकिन वीडियो आप पूरा देखना ज़रूर, आपको इसके अंदर इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली दूंगा और बताऊंगा भी क्यों हो रही है चीज़ें, और कहीं ना कहीं इससे आप लोग मेरी बात से सहमत जरूर होंगे। तो चलो भाई बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, इस सीमा गुलाम हैदर का जो मामला है ना, इतना पेचीदा हो रहा है कि अब एक के अंदर एक परत निकल रही है इसकी। दो तीन बातें, अब यूपीएटीएस ने यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड जो यूपी पुलिस की है, बड़ा शानदार एक महकमा है यूपी पुलिस के अंदर, उसने चाबी देना शुरू करा हल्के हल्के से। तो दो तीन चीज़ें पता लगी हैं और बड़ी खौफनाक किस्म की। उसके जो कल हमने वीडियो में कवर करा था ना, जो उसके पाकिस्तानी दस्तावेज हैं, उसका आइडेंटिटी कार्ड, वो भी फेक निकला। वो इशू करा गया है 2022 में। अब आप सोचिए 2022 में, अब हम 2023, ये एक साल पहले पैदा हुई थी, एक साल की बच्ची सीमा इधर, 2022 में उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फेक करा हुआ। सर की एक बात से मैं असहमत हूँ। रीज़न क्या है कि अगर जिस चीज़ की इश्यू ऑफ डेट जिस चीज़ की होती है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ भी वही हो। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरा एक आधार कार्ड मैंने दोबारा रिन्यू करवाया है तो उसका इश्यू ऑफ डेट वही आएगा, ना कि जब का वो बना हुआ है। तो मेरी एज कुछ भी हो, डजेंट मैटर, 35 साल का हूँ उस टाइम में, तो एज मेरी कुछ भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ जो होगी वही होगी। बाकी इशू ऑफ डेट दिखाते हैं वहाँ पे कार्ड के अंदर, वो शायद हर जगह पे यही होता है, जो इंडिया में है वो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद वो उस जगह पे। तो सर थोड़ा सा आपकी इस बात में मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, उसके लिए सॉरी अगर मैं गलत हूँ। तो उसका जो पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है 2022 में उसको इशू करा गया था, यानी कि उसको बोल रखा था कि तुम लोगों को कांटेक्ट करो, तुम सचिन मीना को कांटेक्ट करो, इसको फंसाओ, और अगर कोई लोग देखते नहीं है ना कब इशू कराए, लोग इतने ध्यान से नहीं देखते, अच्छा आइडेंटिटी कार्ड ठीक है आगे बढ़ो, नाम मिल रहा है, चेहरा मिल रहा है, लोग इतना ही देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ कब किसने देखा, जब आप एयरपोर्ट के अंदर भी जाते हैं, जो बाहर जो CISF वाले चेकिंग करते हैं वो हर एक चीज़ वो बेसिकली चेक करते हैं कि भाई ये टिकट है, ये बंदा कह रहा है ये मेरा नाम है, टिकट में सेम नाम है, चेहरा मिलता है कि नहीं, अंदर जाओ। नॉर्मली दुनिया भर में यही होता है, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में यही होता है। और ये फ्रॉड करके ये साइकोलॉजिकल गेम खेला गया कि भाई साहब देखो लोग क्या चेक करेंगे, सीमा हैदर, अच्छा ये शक्ल मिलती है, नाम क्या है, सीमा गुलाम हैदर, अच्छा ये नाम है, ठीक है चलो आगे बढ़ो। ये स्टोरी है इसकी यार। पहले इसने ये अफवाह फैलाई थी कि ये पाकिस्तानी हिंदू है, इसने ये अफवाह फैलाई थी पहले कि मैं पाकिस्तानी हिंदू हूं, फिर मैंने गुलाम हैदर से शादी करी तो मैं मुसलमान बन गई, मैं वापस सनातनी बन रही हूं। पता नहीं उस कहानी में कितना लोचा है और इसके पहले क्या थी, किसी को कुछ नहीं पता। एक और बात, ये कई सचिन जैसे मुर्गों के साथ पबजी के थ्रू टच में थी दोस्तों, और NCR दिल्ली, खास NCR दिल्ली। अब देखिए इसने पकड़ा, इसने नक्शा देखा, मैं आपको बताता हूं गेम क्या है ये, ठीक है, और बड़ा आसान सा है, और इसको कहीं ना कहीं मिलिट्री ट्रेनिंग है,
कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फौज की इसको ट्रेनिंग है, क्योंकि फौजी कैसे सोचता है ना, फौजी का दिमाग एक तरीके से चलता है ट्रेनिंग के हिसाब से। इसने पकड़ा नक्शा, ठीक है, इसने देखा दिल्ली ये है, दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है और नोएडा के बाद जाके ग्रेटर नोएडा है, ठीक है, यानी कि एनसीआर में भी है लेकिन दिल्ली से दूर है। काम इसका कहाँ है? जाहिर सी बात है दिल्ली में इसका ऑपरेशन होना है या जो भी होना है। व्हेन आई से ऑपरेशन आई मीन मिलिट्री ऑपरेशन, वो भैया डॉक्टर वाला मत समझ लेना कि काटपीट वाला ऑपरेशन, ना ना, मिलिट्री ऑपरेशन जो इसको कार्रवाई करने के लिए भेजा है। ये सीमा गुलाम हैदर कई सारे बंदों के साथ टच में थी, उसमें से एक मुर्गा सचिन मीना। सिंपल सी बात, देखो सर, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला था कि ये जो बंदी है ये ग्रेटर नोएडा में जहाँ रह रही है वहाँ पे कई सारे, मतलब नोएडा के अंदर बहुत सारे जो रिटायर्ड फौजी हैंगे, कर्नल है, जनरल है, बहुत सबके घर भी आएंगे और कुछ मेरे ख्याल से अभी ड्यूटी के अंदर भी होंगे, सर्विस कर रहे होंगे, उनके भी घर होंगे और दिल्ली बिल्कुल नज़दीक है, मैंने तो पहले ये चीज़ बोली थी। अब ये भी पता लगा है कि ये बंदी किसी कर्नल और जनरल को भी इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी फेसबुक के थ्रू, और कुछ गुड़गांव के बंदे थे, कुछ नोएडा के बंदे थे, कुछ फरीदाबाद के बंदे, मतलब जो दिल्ली एनसीआर में टच होते हैं। और ये चीज़ मैंने पहले बोल चुका हूँ मैं अपनी वीडियो के अंदर, क्योंकि जो होना है दिल्ली के अंदर होना है मुझे इतना पता है, क्योंकि जब एक चीज़ की अगर यहाँ पे कुछ पंगा होता है दिल्ली में तो ये रहेगा कि अगर आपकी राजधानी सुरक्षित नहीं है, आपका कैपिटल सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, तो आप पूरे भारत को कैसे सेफ कर सकते हो। वैसे ही मणिपुर को लेके वैसे ही इतना चिलम चिल्ली हो रही है, को पता है, ऊपर से फिर दिल्ली में अगर ऐसा कुछ होता है और 100% क्योंकि ये वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप से पहले पहले कुछ ना कुछ करेंगे और इस पे ये लगे पड़े हैं। अगर दिल्ली में नहीं हुआ तो 101% मुंबई के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ होगा, मुंबई, बेंगलुरु, ये तीन जगह पे होना है, कलकत्ता भूल जाओ आप, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पे नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि कलकत्ता के अंदर ये चीज़ नहीं होगी। होगा तो दिल्ली हो गया, कैपिटल्स जो माने जाते हैं ना कि हमारा एक उसका आएगा रेवेन्यू जनरेट करने वाला, और मेन तो कैपिटल हमारा दिल्ली पड़ता है, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, बेंगलुरु, ये जगह हैंगी जहाँ पे हो सकता है, क्योंकि मेन यही है। तो डायरेक्टली पता है क्या पाकिस्तान वाले क्या बोलेंगे, भाई सेफ नहीं है, जब ये अपना ये सेफ नहीं रख सकते तो कैसे। अब वैसे भी इस पे बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है कि बड़े पंगे पड़ रहे हैं कि नेपाल बॉर्डर से आपको सुरक्षित नहीं रहा, तो फिर वहाँ से कोई भी घुस जाता है तो कैसे सुरक्षित है, कुछ भी हो सकता है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें भाई। और ये मैं जहाँ तक कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में पंगा डालने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं इंडिया को डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। डिग्रेड थोड़ा सा तो नेपाल के थ्रू हो ही है थोड़ा, और ज़्यादातर अगर दिल्ली में कुछ होता है, मुंबई में कुछ होता है, फिर चेन्नई में कुछ होता है, तो ये 101% ये पाकिस्तानी बोलेंगे कि हम मैच नहीं खेलेंगे वहाँ पे, हमें भी न्यूट्रल वेन्यू पे मैच कर पाओ। क्योंकि पीछे जब शायद G20 के अंदर या फिर कुछ हुआ था कि दिल्ली के अंदर वो US का कुछ था सेक्रेटरी था शायद, जो ऑटो के अंदर घूम रहा था, तो उसने एक अच्छी वैल्यू बना दी थी इंडिया की कि हाँ भाई एक यहाँ पे आप ऑटो में भी घूम सकते हो, जिसके पीछे इतने मतलब सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो प्रोटोकॉल लेके अपना घूम नहीं रहा, दिल्ली में ऑटो रिक्शे में घूम रहा है वो बंदा, मतलब इतना सेफ है। तो इस पे पाकिस्तानियों की बहुत जली थी, बहुत जली थी पाकिस्तानियों की भाई साहब, तगड़ी वाली, आप लोगों ने भी देखी होगी बहुत सारी वीडियोस पाकिस्तानियों की, तगड़ी जली थी। तो उसको लेके मुझे जहाँ तक 100% जब इन्होंने ये वो रणदीप रोना खेला था ना, वो माई फर्स्ट विजिट इंडिया, मैंने उस टाइम भी बोला था कुछ ना कुछ होगा और हुआ, और अब तो 101% मैं शुरू से इसको बोल रहा हूँ, इसको कहीं मत डालो, इसको जेल में ठोको, और इसके ये बच्चे भी नहीं है, और ये बात मेजर सर भी बोल रहे हैं, और ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इसका DNA टेस्ट होना चाहिए बच्चों का, क्योंकि भाई ये खेली खाई चीज़ है, बहुत तगड़ी चीज़ है यार। हम मेरे जैसा बंदा, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा काम रह चुका है मीडिया से रिलेटेड, मैं शूट करता था, लोगों को पास जाता था, लेकिन मेरी खुद भी फटती थी जब मैंने स्टार्टिंग करी थी वीडियो बनाने में, और ये बंदी इतने मीडिया वालों को देख के भी बिंदास बोले जा रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बच्चे क्यों लेके आए साथ में अगर ऐसा कुछ है, तो भाई बच्चों के साथ मैंने पहले भी बता रखा है कि बच्चों के साथ किसी भी लेडीज़ पे गौर नहीं किया जाता, कि उसके ऊपर शक नहीं होता, बच्चे इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनके ऊपर शक नहीं किया जा सकता कि भाई बच्चा लेके घूम रही है, ये थोड़ी ना करेगी ऐसे। और जो उस गाँव के बंदे हैं, ये महाचूतिया, मतलब सीमा भाभी बना दिया उसको तो इन्होंने। तो भाई ज़्यादा बात ना करते हुए देखते हैं, बाकी ये सब चीज़ें मैं पहले भी बोल चुका हूँ मेरी वीडियो के अंदर, आप जाके देख सकते हैं, सीमा हैदर की कोई सी वीडियो उठा के देख लोगे आप, उसमें आपको ये चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी। बाकी ये दिखाता हूँ मैं कि जो चीज़ें मैंने बोली थी अब वो मेजर सर भी बोल रहे हैं। सचिन मीना था तो ये सीमा गुलाम हैदर की कहानी, और जब UPATS ने उसको कागज़ दिया, उनके दिमाग में ना UPATS के दिमाग में शक चल रहा था कि ये जो लड़की है ना ये कुछ फ्रॉड है, इसका मामला कुछ अंदर की बात है जो ये नहीं बता रही है, कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जब आप टोन टोनैलिटी सुनते हैं, जब आप किसी को बात करते हुए सुनते हैं, आपको पता लग जाता है। आप सड़क पर चलते बंदे से पूछ लीजिए, आपको उसके बोलने के लहजे से ये पता लग जाएगा कि पढ़ा लिखा। अच्छा एक चीज़ और, एक इसने कहा कि भाई पबजी के थ्रू, पबजी तो इंडिया में बैन है और शायद तीन चार साल हो चुके हैं बैन हुए, तो भाई ये कैसे है?
और दूसरी बात, टिकटॉक, पबजी, ये सब चीज़ें यहाँ पे बैन है। हाँ, फ्री फायर बोलती तो फ्री फायर यहाँ चलता है, पता है मुझे उसका। और जो टोन की बात हो रही है, जो इनके पाकिस्तानी इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं, इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं या फिर लाइव प्रोडक्ट बात करते हैं, लाइक आरजू काजमी जैसी बंदी बात बात भी करती है, उसके में कहीं ना कहीं उसके लहजे में झलक जाता है यार। इस बंदी के लहजे में बिल्कुल नहीं झलक रहा। और इतनी ट्रेंड बंदी जो इंडिया में रह के लोग साड़ी नहीं पहन पाते, डजंट मैटर वो गाँव की है शहर की है, नहीं पहन पाते भाई साहब साड़ी। और ये बंदी साड़ी पल्लू, मतलब जिस हिसाब से बोल रही है पति, ये हाँ चलो थोड़ा हो जाता है बंदे से बात करते करते, लेकिन इतना ट्रेंड कैसे हो सकता है यार। बंदा बंदी को चार लैंग्वेजेस आती हैं, यहाँ हम साला ढंग से दो बोलने, वही बहुत बड़ी बात है भाई। है तो सही, इसको कुछ नहीं करना चाहिए, इसको सीधा जेल में फेंकना चाहिए, बहुत हो चुका है ये भाभी वाला ड्रामा, ये प्यार व्यार का चक्कर। सचिन ये जो है सचिन, ये टीवी के मरीज को भी, इसको भी फेंको साले को, सीरियसली फेंको, उसके माँ बाप को ही फेंको, और जो भी सपोर्ट है ना डालो उसको जेल में। क्या बहन चौथ मजाक बना रखा है क्या नेशनल सिक्योरिटी का तुम लोगों ने? वैसे साले चील की तरह आंखें गड़ा के बैठा था चाइना और पाकिस्तान, उनको दिख जाएगा बहन जो इंडिया में बैठे हुए सपोर्ट करने वाले, तो घंटा उनको क्या करेंगे, फिर भेज देंगे चार पांच वहां से चाइना ही भेज देंगे, वहां से वो भेज देंगे अलहमदुल्ला करते हुए, मुंड पाड़ लेना, फिर फटते फिरेंगे यहाँ वहाँ आधे जाते हैं, क्या क्या कटेगा पता भी नहीं लगेगा। तो ऐसी चीजों को मजाक नहीं लेना चाहिए, उसके एक्सेंट से पता लग जाएगा कि ये कौन सी जबान बोलता है कौन सी नहीं बोलता है। अगर मैं हूं राइट, अगर मैं हिंदी बोलूंगा तो पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा। वही कोई हमारा साउथ का भाई है, अगर साउथ इंडिया का कोई है, वो इंग्लिश बोलेगा पता लग जाएगा, मैं इंग्लिश बोलूंगा पता लग जाएगा, कोई नॉर्थ का इंग्लिश बोलेगा, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, कहीं का भी, आपको पता लग जाएगा। सीमा गुलाम हैदर इसलिए खतरनाक है, उसका पता नहीं लग रहा। ये कब होता है दोस्तों? ये कब होता है कि जब कोई आदमी बोले, कोई जब कोई औरत बोले और आपको पता ना लग पाए, या तो वो वहां पे बहुत देर तक रह चुका है, बहुत देर तक। अब जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, ठीक है, अगर मैं बचपन से चेन्नई में रहता या उस समय मद्रास हुआ करता, तो मैं मद्रास में रहता बचपन से, तो मैं तो एक तमिल की तरह तमिल बोलता, नेचुरल सी बात है, मैं बोलता, मेरा वही एक्सेंट होता, वही खाना पीना होता, वही आउटलुक होता, वही सब कुछ होता ना। सिमिलरली अगर कोई तमिल बच्चा यूपी में रहता तो वो तो वैसे ही बोलता, उसमें तमिल एक्सेंट तो नहीं होता, पर मुझ में होता क्योंकि मैं वहां पे था। इसी तरीके से जो बंदा जहां पे रहता है वहां पे उसका वेशभूषा, एक्सेंट, उसका बोलने का तरीका, सोच, सब कुछ वैसे ही हो जाता है, राइट? बहुत समय तक, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, बहुत समय तक बचपन में, दो तीन साल जब मैं दिल्ली से आया, मेरा नॉर्थ ईस्ट का एक्सेंट था, क्योंकि मैं तीन चार साल मैंने वहां पर पढ़ाई करी थी, तो बच्चों के साथ रह के, मेरे दोस्त कौन थे, नागा थे, मिजो थे, खासी थे, मणिपुरी थे, ये सब मेरे दोस्त थे। मैं शिलोंग में पढ़ा, मैं मिजोरम में पढ़ा, मेरा एक्सेंट वैसा हो गया, मेरा एक्सेंट वैसा हो गया। जब मैं दिल्ली में आया तो लोगों ने मुझे फिर बोला कि यार ये कहां से आया, ये इसका तो एक्सेंट ही अलग है, दिल्ली वाला एक्सेंट ही नहीं है। फिर जब मैं डीपीएसआर के प्रोब में आया था, उसी तरीके से दोस्तों ये बात होती है। सीमा गुलाम हैदर जिस तरीके से हिंदी बोलती है, हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? अब किसी ने तो पकड़ के ना इसको सिखाया है कि मैडम आप ऐसा बोलो। इसके वॉइस कोचेस, इसके एक्सेंट कोचेस लगे हैं, आप मेरी बात मानिए। ये लड़की बहुत घूमी फिरी है, इसने और जगह देख, इसके बच्चों का अगर आप डीएनए टेस्ट देखिए, मैं आपको बता रहा हूं इसके बच्चे पूरे नहीं है। ये होंगे इसके एक दो बच्चे, इसमें चार इसके बच्चे नहीं होंगे। ये एक स्टोरी बनाकर आई है, मैं आपको बता रहा हूं, इसका डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि ये वाकई में इसके बच्चे हैं कि नहीं है। हो सकता है किसी और के बच्चों को इसके साथ दो साल के लिए, एक साल के लिए, तीन साल के लिए रखा हो कि वो उसको मां मानना शुरू करते हैं, उसके बड़े करीबी हो जाएं। पर ये अगर हम डीएनए टेस्ट करेंगे, आपको सीमा गुलाम हैदर की असलियत पता लगेगी, चारों बच्चे इसके नहीं हो सकते, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से इसकी हर चीज फ्रॉड है, इसमें भी झोल होगा, है ना। अब उसको यूपीएटीएस क्या करती है, यूपीएटीएस उसको देती है भाई एक कागज का टुकड़ा जिसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है, और बोलती है पढ़ो। अच्छा, ये फिलहाल कहां रह रही है, मतलब अभी तो अरेस्ट हो गई, लेकिन कहां रह रही थी, ग्रेटर नोएडा के गांव में, ठीक है। फिर वहां से भी ये कहती थी बड़े लोअर मिडिल क्लास इलाके से वहां पे आई है, और वहां पे पाकिस्तान में भी इसके दोस्त दोस्त पैदा कर दिए, पाकिस्तान में इसके दोस्त पैदा कर दिए, और बड़ी बुरी लड़की है, ये है, अच्छी है, वो उसका हस्बैंड कह रहा है मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम वहां पे, ये सब फ्रॉड है। मुझे तो ये भी शक है कि वो उसका हस्बैंड है कि नहीं है, कि आईएसआई ने एक पति तो पैदा नहीं कर दिया कोई ओवरनाइट, कि बैकग्राउंड स्टोरी, क्योंकि जब इंटेलिजेंस एजेंसी वाले काम करेंगे तो भाई पूरा काम करेंगे, फिर आपके 15 साल 20 साल 25 साल पीछे जाएंगे, वो ये देखेंगे कि जो दुश्मन है यानी कि इंडिया, इंडिया कितना खोजबीन करेगा सीमा गुलाम हैदर के बारे में, इंडिया कितना पीछे जाएगा।
उदाहरण के लिए जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, अच्छी कंपनी में जाते हैं, तो कंपनी जब आपको जॉब देती है उसके पहले आप सीवी में जो आपका लिखा है उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है कि नहीं करती कंपनी? सेम प्रिंसिपल है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका, अच्छा आपने बोला ये, अच्छा इसका क्या है, अच्छा ये आपने बोला, लेकिन यहां पे 11 महीने का गैप आपके आ रहा है, क्यों आ रहा है? जैसे एचआर वाले पूछते हैं वैसे ही इंटेलिजेंस एजेंसीज भी पूछते हैं, भाई ये गैप क्यों है क्या? तो ये तफ्तीश होती है, इसमें पता लगेगा आपको कि इसकी स्टोरी में बड़े सारे होल्स हैं, क्योंकि आप सारी चीजें कवर नहीं कर सकते बॉस। आपको कोई इतना नहीं सिखा सकता कि किसी आप आ जाएं, ठीक है। अब देखो स्विमिंग पूल में तैरने वाला ना समुद्र में नहीं तैर सकता, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि समुद्र में तैर ही लेगा वो, क्योंकि उसने स्विमिंग पूल में तैरा है, या वो नदी में तैर लेगा। स्विमिंग पूल का पानी बिल्कुल स्थिर होता है, बिल्कुल काम होता है, शांत पानी होता है स्विमिंग पूल का। वो नदी में जो लहरें चलती हैं उसमें तैरना, वो तैराक अलग होते हैं, ये वाले तैराक अलग हैं। अब सीमा गुलाम हैदर को एक कागज पकड़ाया UPATS ने, कह रहा बहन पढ़ इसको, वो कागज इंग्लिश में था, ठीक है। अभी तक इसका बैकग्राउंड कौन सा दिखाया है कि लोअर मिडिल क्लास ऐसी है, डरी सी कुचली सी एक औरत है जो बड़ी परेशान है अपने पति से, वहां पे छोड़ के इंडिया आ गई, यहां पे गांव में रह रही है। सीमा गुलाम हैदर ने जब अंग्रेजी पढ़ना शुरू करी, ठीक है, सीमा गुलाम हैदर ने जब अंग्रेजी पढ़ना शुरू करी तब उसकी पोल पत्री खुलना शुरू हुई कि ये एक्चुअली पढ़ी लिखी है, क्योंकि जिस तरीके से वो पढ़ रही थी, जिस तरीके से उसका एक्सेंट था, जिस तरीके से उसका लहजा था बोलने का, ये उसका था जो कि अंग्रेजी में बातचीत करता है, वो लहजा था जो अंग्रेजी में पढ़ता है, जो अंग्रेजी में शुरू से अंग्रेजी जिसको आती है, जिसकी ट्रेनिंग अंग्रेजी में हुई है, जिसकी तरबियत, जिसका एजुकेशन अंग्रेजी में हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है शुरू से। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? उसने कल नहीं सीखी इंग्लिश, वो बचपन से इंग्लिश बोलती आई है, उसका ये कॉन्फिडेंस था, उसका जो प्रोनाउंसिएशन था, ये देखो MTI बोलते हैं कॉल सेंटर वाले, मदर टंग इन्फ्लुएंस, MTI मदर टंग इन्फ्लुएंस। अच्छा ये चीजों में ना कई कुछ पाकिस्तानी जो रिएक्शन चैनल थे, लगे सना अमजद आप सब जानते हैं उसको, उसने अभी किसी लड़की का इंटरव्यू लिया, तो वो कह रही कि अगर उसका हस्बैंड उसको प्यार नहीं करता, चार बच्चे कैसे पैदा हो गए, उसकी एज इतनी कैसे है? दीदी आपके ही पाकिस्तान के अंदर एक 22 साल की लड़की के 25 बच्चे हैं, वो खुद इस चीज के लिए खुद बोलती है, वो 22 साल की लड़की के 2 दर्जन बच्चे, सोचने वाली बात है, दिमाग फट जाएगा, कैसे पैदा कर लिया उसने, और ये तो फिर भी 27-28 साल की बता रही है अपने आपको, उसके 4 बच्चे हो गए, तो वो चीजें आप बंद बोलो। और दूसरी बात भाई, यहाँ पे मेजर सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन आज भी बहुत चीजें ऐसी हैं कि मैंने अपने अपने तरीके से सीखी, आज भी कोई चीजें मेरे को समझ में नहीं आती, बहुत चीजें, कई चीजें क्या, बहुत सारी चीजें कि प्रॉपरली अगर कोई स्पीड में इंग्लिश बोलेगा तो बात करेगा तो मैं नहीं समझ पाता ना उसको मैं ट्रांसलेट कर पाता, बहुत चीज़ें मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाता उसको प्रॉपरली, मेरे समझ में भी नहीं आती, बट हाँ मेरे को थोड़ा टाइम मिलता है तो फिर मैं उसको उसके ऊपर काम करता हूँ, देखता हूँ उसको अच्छे से, फिर उसके बारे में जानता हूँ, लेकिन फिर भी ये कोई मेरे से बोल दे कि भाई तेरे उसके बारे में जानने के बाद भी तो उसको दोबारा प्रोनाउंस कर देगा, तो नहीं कर सकता। दिल्ली में रहता हूँ, मेरा बैकग्राउंड भी इसी चीज़ से रहा है, हर चीज़ से, उसके बाद भी नहीं कर सकता। और ये बंदी जो एक 5वीं क्लास है, उसको 4 लैंग्वेज आती है, इंग्लिश इसकी ये फराटेदार है भाई साहब। सेंटर जब होते हैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स खास तौर से, सबसे पहले कॉल सेंटरों में यही सिखाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग जो होती है ना, एचआर वाले जब ट्रेन करते हैं, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर्स होते हैं, कहते हैं MTI खत्म करो, मदर टंग इन्फ्लुएंस, राइट, यानी कि आपको बोलना अंग्रेजी में है, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो पता लग रहा है कि आप राजस्थान के हैं, पता लग रहा है आप बिहार के हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप दिल्ली के हैं, या आप तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, मणिपुर के हैं, आपके आपके इंग्लिश बोलने के एक्सेंट में पता लग रहा है कि आप कहां के रहने वाले हैं, आपके हिंदी या अपनी मातृभाषा जो भी है, आपकी तमिल मातृभाषा हो सकती है, आपकी मलयालम हो सकती है, आपकी मारवाड़ी हो सकती है, आपकी कुछ भी हो सकती है, हरियाणवी हो सकती है, जो भी आपकी मदर टंग है उसकी झलक आ रही है, इसको कहते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस। सीमा गुलाम हैदर की जबान पर मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं है, इसका बड़ा न्यूट्रल एक्सेंट है, ये इंग्लिश मीडियम की पढ़ी है लड़की और झूठ बोल रही है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं खुफिया एजेंसीज का एक कॉन्सेप्ट, जिसको दोस्तों कहते हैं माइस, MICE। अब मैं आपको बताऊंगा माइस होता क्या है और सीमा गुलाम हैदर पे क्यों फिट आता है, माइस का फुल फॉर्म क्या है और किस तरीके से काम में लाती है खुफिया एजेंसी। चलो भाई वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी जो मेन चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि जो चीज मैंने पहले चीज बोल दी थी स्टार्टिंग में ही, मतलब ये जब आई थी उसके कुछ टाइम बाद ही मैंने बता दिया था कि भाई ऐसी ऐसी चीज हैगी, और कहीं ना कहीं ये चीज मेजर सर ने भी वही चीज बोली है। बाकी पूरी वीडियो आप सर के चैनल पे आके देख सकते हैं, सर का चैनल आपको सबको पता है, मेजर गौरव आर्या सर का है द चाणक्य डायलॉग, मेजर सर का जो है 6 बजे डेली इनका एक वीडियो आता है, आप जाके वहां देखिए, एंड कुछ ना कुछ आपको
नई चीज़ पता लगी है वहाँ पे जाके, और कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। लाइक मी, मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं डेली देखता हूँ। हाँ तो भाई बात आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक तो भाई वही है हमारा, ये 101% है। और दूसरी बात, ये मच्छर, मरा हुआ मच्छर, इसको भाई गलत बात है किसी को ऐसे प्रनाउंस करना, लेकिन सच है ये। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई या फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं अपने देश के साथी उस देश की लड़की को लेके आ रहा है कि जिस देश का, उसको ये भी नहीं पता कि वो लड़की क्या है क्या नहीं है, या तो उसको सब चीज़ें पता हैं या इसने पैसों के पीछे कराए। कहीं ना कहीं मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये उसकी फैमिली मिली हुई है, पूरी की पूरी फैमिली को अंदर डालो, इंटरोगेशन होनी चाहिए अच्छी खासी। NIO को भी इसके अंदर शामिल करना चाहिए, ATS तो है, NIO को भी शामिल करना चाहिए, पूरी की पूरी इनके ऊपर, यहाँ से लेकर नेपाल तक जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस करा, कैसे करवाया, एक एक चीज़ निकलनी चाहिए। क्योंकि इसके आने के बाद 3 महीने पहले से ही बहुत चीज़ें कॉन्स्पिरेसीज बहुत सारी हो रही थी, और उससे भी पहले कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाले हम लोग भी आते हैं। अब कुछ लोग कैसे सपोर्ट कर रहे थे, कोई सीमा भाभी इसको यहीं छोड़ दो, यहीं रहने दो, ये तो अब यहाँ की वो हो गई है, हिंदू धर्म अपना लिए। कुछ नहीं है भाई, इसके दिमाग में जिहाद चल रहा है, सीरियसली चल रहा है। अगर नहीं आपको है तो एक लेडी थी फ्रांस की, शायद वो ईरान में गई थी, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उस बंदी के दिमाग में सिर्फ यही चलती थी। उसने अपना धर्म परिवर्तन करा, सब कुछ करा, लेकिन उसके दिमाग में वो चीज़ थी कि मैं जिहादी हूँ और जिहाद करूँगी, मैं फटूँगी कहीं ना कहीं जाके। लड़कियों को इसके अंदर शामिल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि लड़कियाँ ईजिली सबको टारगेट कर सकती हैं, किसी को स्माइल पास करिए तो भाई साहब पागल हो गए, तो फिर उसके पीछे तो कुछ भी कर जाएंगे, पता है ना आपको। माँ बाप कहेंगे तो साला एक गिलास पानी उठा के नहीं सकते, लेकिन अगर लड़की ने बोल दिया तो साला छत से कूद जाएंगे, तेरे लिए तो जान जिगर सब फाड़ के निकल देंगे हम, तो बात वही है। और कहीं ना कहीं भाई इसके अंदर पैसे का इन्फ्लुएंस है, कहीं ना कहीं मिल रहा है सचिन मीणा को भी, जो भी नाम है इसका, मीना हो कुछ भी हो, सचिन नाम का इसका, इस मच्छर को। नहीं तो यार एक चीज़ सोचो भाई, इसको प्यार में पढ़ने को ये मच्छर मिला और यही मिला, और जिस जगह पे गई है उस जगह पे बड़ी सोच समझ के चुनी, इसको गुड़गांव का बंदा क्यों नहीं मिला, बल्लभगढ़ का बंदा, फरीदाबाद का क्यों नहीं मिला इसको भाई, इसको वहीं का क्यों मिला, क्यों मिला दिल्ली का बंदा, क्यों नहीं मिला दिल्ली में, नहीं है क्या आप बता दें मेरे को, कोई दिल्ली में नहीं है, नरेला में कोई नहीं है क्या, इतने सारे हैंगे यार, इसको वहीं का बंदा क्यों, इसने हर जगह के बंदे को रिक्वेस्ट भेज रखी है। सोचो बात भी करती होगी, जिस हिसाब से इसकी कट काठी है, लुक हैगी, बट शायद इसको सबने भाव नहीं दिया, या फिर ये नोएडा ऐसी जगह है जहाँ पे ये है कि वहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे आर्मी के कुछ बंदे हैंगे, वहाँ पे कर्नल जनरल भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, कुछ अभी सर्विस के अंदर भी हैंगे, शायद उनके घर हैंगे वहाँ पे, तो मे बी इजी टारगेट वहाँ से हो। लाइक वो साइंटिस्ट अंकल जो फंसे थे 56 साल के 60 साल के जो भी, कहीं ना कहीं तो है ना। और इसके आने के बाद कहीं गोंडा से पकड़ा जा रहा है, कहीं वहाँ से हथियार पकड़े जा रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर से पकड़े जा रहे हैं, वहाँ से ऑपरेशंस हो रहे हैं, और कुछ बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, ISI के बंदे, उसके लश्कर के बंदे आ रहे हैं, ट्रेन रेलवे स्टेशन पे दिख रहे हैं, कहीं साउथ इंडिया से पकड़े जा रहे हैं। और UPATS ने एडवाइजरी जारी करी है कि भाई जो भी ऐसा कुछ आपको सोशल मीडिया पे मिलता है, आपसे ऐसे कोई बात करता है, तो आप उन लोगों से होशियार रहें। और ये चीज़ मैं आपको कितने टाइम से बताता आ रहा हूँ कि भाई इन लोगों से बात करने से पहले, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो चाहे यूट्यूब हो, इनको देखने से पहले, इनसे बात करने से पहले, क्योंकि जो कमेंट सेक्शन में आप इनसे बात बोलोगे ना, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा आएगा शायद वो हिंदू नाम ही रख के आ जाए, भाई ये तो बड़ी अच्छी है, अरे आई लव यू बोला जाता है भाई साहब। और ज़्यादातर लड़कियाँ देख लो आप, कहीं ना कहीं देखो आप, ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, बहुत कम लड़के हैंगे। और कहीं आपको नहीं लग रहा ये कॉन्स्पिरेसी तगड़ी है, G20 होने से पहले वहाँ ब्लास्ट हुआ, फिर भी G20 हुआ, ब्लास्ट हुआ, हमारे 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, ऑपरेशन चले वहाँ पे, वर्ल्ड कप आ रहा है, अब भी कुछ होने के चांसेस हैं, 101% है भाई साहब। और इसमें मैं तो कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को अलर्ट होना चाहिए, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज आएंगे उनको ज़्यादा डबल स्पीड से काम करना चाहिए। और सिर्फ उनका ही नहीं है ये, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज की जिम्मेदारी नहीं है, आपके और मेरे जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हमें कोई शक की चीज़ मिले या फिर कोई ऐसे बात करे तो हमें डायरेक्टली अपने पुलिस स्टेशन में सिक्योरिटी एजेंसीज को डायरेक्टली कॉल करनी चाहिए। और अगर ऐसा कोई सिनेरियोज मिलता है, एक चोर चक्के का, तो चलो पुलिस में आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो मिलता है आपको तो डायरेक्टली ATS या NIO को कॉल करें, मेरा तो ये मानना है। और इन लोगों का एडवाइजरी जाहिर करनी चाहिए NIA को भी, ATS को भी, और इंडियन गवर्नमेंट को भी इस चीज़ में, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं। क्योंकि अगर कल को कुछ हुआ तो हमारे वहाँ 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, और अगर किस शहर में हुआ, जहाँ तक मुझे लग रहा है टारगेट दिल्ली मुंबई एंड वो है, कैलकटा में नहीं करेंगे क्योंकि कैलकटा ऑलरेडी सबको पता है, तो वहाँ वो इस चीज़ में नहीं आएगा अकाउंट में, आएंगे सिर्फ ये 3 जगह, क्योंकि मेन यही है, ज़्यादा चांसेस जो हैं दिल्ली एंड मुंबई के हैं, अगर यहाँ नहीं हुआ तो मुंबई में होगा 101%, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, और इसी मैसेज के साथ मैं समीर देवंशी
चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।